नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश। टेक्निकल अग्राउ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप देख पा रहे हैं मेरे पास ये वीडियोकॉन का टीवी है, जिसे मैं ऑन करके सप्लाई दे करके आपको दिखा देता हूं क्या इसमें फॉल्ट है। ये देखिए, इसकी सप्लाई पावर एलईडी ब्लिंकिंग कर रही है और सेट डेड पोजीशन में है और वीडियोकॉन का टीवी है ये। तो दोस्तों, इसे आज अपन रिपेयर करेंगे और देखेंगे इसमें क्या फॉल्ट है। पावर एलईडी ब्लिंकिंग इसकी कर रही है, तो इसे ओपन करके देखते हैं, इसके वोल्टेज चेक करते हैं। तो दोस्तों, इसमें ये बोर्ड लगा हुआ है, तो इसके स्पीकर के जो कनेक्टर हैं वो हटा करके हम इसे देखें। ये बोर्ड ओरिजिनल बोर्ड ही इसमें लगा हुआ है, ये उसका बोर्ड है। तो चलिए, इसके वोल्टेज हम चेक करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो मैं मल्टीमीटर से आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। तो मैंने इसको सप्लाई दे दी है और इसके 110 वोल्टेज हम चेक करते हैं। देखिए, इस प्रकार वोल्टेज दिखा रहा है। आउटपुट ट्रांजिस्टर हॉरिजॉन्टल सेक्शन में लगा हुआ, उस पर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। ये एसटी पर कहीं पर भी वोल्टेज नहीं आ रहे, मतलब वोल्टेज बन रहे हैं सप्लाई में, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। तो इसको कंटिन्यूटी में चेक करते हैं। ट्रांजिस्टर तो शॉर्ट नहीं है, आउटपुट सेक्शन में लगा हुआ, यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, तो कंटिन्यूटी में चेक करते हैं। तो देखिए, आप ट्रांजिस्टर शॉर्ट दिखा रहा है, देखिए ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। तो इस ट्रांजिस्टर को हम बाहर निकाल करके चेक करते हैं। देखिए, ये ट्रांजिस्टर इसमें लगा हुआ है, तो मैं इसे खोल लेता हूँ। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और आपके काम आने वाला वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए, अब इसे बाहर सर्किट से निकाल लेते हैं। और इसे चेक करते हैं। तो मैंने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में रख लिया है और इसके देखिए, ये ट्रांजिस्टर सही है और जब सर्किट में लगा हुआ था तब शॉर्टिंग दिखा रहा था, और जब हमने कॉल टेस्ट की तो ये ट्रांजिस्टर सही पोजीशन में है। तो सर्किट दोस्तों, फॉल्ट सर्किट में है। देखिए, यहाँ पर फिर भी शॉर्टिंग दिखा रहा है पीसीबी बोर्ड पर। अब हम फिर से इसके वोल्टेज चेक करके देखते हैं सप्लाई दे करके। तो मैंने ये मेन सप्लाई से दी है। दोस्तों, इस कंडीशन में आपको देखिए, यहाँ पर फिर भी एलईडी ब्लिंकिंग कर रही है और ये वोल्टेज भी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। ट्रांजिस्टर आउटपुट ट्रांजिस्टर को हटाने के बाद तो वोल्टेज आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रही, इसमें फॉल्ट और है। और इसकी पीसीबी पर चेक करते हैं, देखिए मल्टीमीटर से, तो यहाँ पर पीसीबी पर शॉर्टिंग दिखा रहा है। देखिए आप, आउटपुट ट्रांजिस्टर लगा हुआ था यहाँ पर, तो इस पीसीबी पर बेस टू कलेक्टर देखिए शॉर्टिंग दिखा रहा है और ईएसटी पर भी शॉर्टिंग दिखा रहा है। देखिए आप, तो सर्किट में ही शॉर्टिंग और कहीं है। तो यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है जो 110 सप्लाई को रेक्टिफाई करता है, तो इस डायोड को भी हम चेक करके देखते हैं।
तो देखिए ये डायोड भी शॉर्टिंग दिखा रहा है, ये देखिए, और यहाँ पर भी शॉर्टिंग दिखा रहा है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन में शॉर्ट दिखा रहा है, और फॉल्ट हॉरिजॉन्टल सेक्शन में ही है। तो डायोड भी शॉर्ट दिखा रहा है। तो दोस्तों इसके लिए जो सिर्फ 110 सप्लाई को रेक्टिफाई करने वाला इस डायोड के आगे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के थ्रू हॉरिजॉन्टल सेक्शन में सप्लाई जाती है। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, आपको मैं दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये वाली। तो इसे हम ओपन करके देखते हैं, क्योंकि इसी रेजिस्टेंस के थ्रू हॉरिजॉन्टल सेक्शन में 110 सप्लाई जाती है ESD पर। तो ये वाली रेजिस्टेंस इसमें लगी हुई है, तो इसे भी चेक करते हैं। और दोस्तों ये रेजिस्टेंस सही है, और सही थी तभी आउटपुट सेक्शन में वोल्टेज जाएंगे। तो यहाँ से मैंने इस रेजिस्टेंस को हटा दिया है, और यहाँ पर एक जम्पर लगा हुआ है, ESD पर सप्लाई देने के लिए। तो दोस्तों इतना करने के बाद भी फॉल्ट शॉर्टिंग दिखा रहा है, तो हमें यहाँ पर ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, इनको चेक करना होगा। तो इनको इनका एक टर्मिनल सर्किट से बाहर निकाल करके चेक कर लेंगे। तो मैं इसे फटाफट से चेक कर लेता हूँ सर्किट से बाहर निकाल करके। मैंने इनका एक एक टर्मिनल सर्किट बोर्ड से बाहर निकाल लिया है। ये सर्किट, ये दोस्तों ये कैपेसिटर अगर ख़राब हो जाते तब भी शॉर्टिंग दिखाता है, तो ये कैपेसिटर सही है, इसके बाद भी ये फॉल्ट बना हुआ है। तो यहाँ से ये डायोड के थ्रू ये लाइन यहाँ पे जा रही है, जहाँ से रेजिस्टेंस लग कर के, और फिर जंपर के द्वारा, इस रेजिस्टेंस के द्वारा आगे जंपर से ESD पर सप्लाई जा रही है। तो यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई 110 जाती है, तो यहाँ पर शॉर्टिंग दिखा रहा है ESD के दोनों टर्मिनल। और अब ग्राउंड से चेक करते हैं, ये इसका नेगेटिव सिरा है, ग्राउंड ESD पर जुड़ा हुआ है, और ये पॉजिटिव। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये फॉल्ट बना हुआ है, दोनों शॉर्टिंग है, आप देखिए। ये देखिए ग्राउंड से मैंने इसको दिखाया, शॉर्ट हो रहा है। तो इस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर जो ESD लगा हुआ है 100% ESD ख़राब है। दोस्तों इस कंडीशन में ESD ही ख़राब है। तो ESD के नंबर, ये ESD है, तो ये इसके नंबर हम देख लेते हैं, ये है 4095i। दोस्तों 4095 ESD भी कई नंबरों में आता है, आई भी आता है, के भी आता है। तो हमें जो ESD इसमें लगा हुआ है सेम वही ESD नंबर दे करके लगाना चाहिए। तो दोस्तों इसकी कंडीशन में ESD 100% ख़राब है। तो मैं इसे निकाल लेता हूँ, और निकाल करके अब इस ESD के पिनों पर कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए देखिए यहाँ पर अब शॉर्टिंग नहीं है कहीं पर भी, यहाँ पर पहले शॉर्टिंग दिखा रहा था। और ये डायोड जो पहले शॉर्टिंग दिखा रहा था वो भी नहीं दिखा रहा है, कि शॉर्ट ESD थी जिसके चलते यहाँ शॉर्टिंग दिखा रही थी। और यहाँ पर जब हमने चेक किया तो यहाँ पर भी शॉर्टिंग दिखा रहा था। अब सर्किट बोर्ड में शॉर्टिंग कहीं पर भी नहीं है, और हमारा ESD ही फॉल्ट है। तो ESD के कंटिन्यूटी चेक करते हैं।
देखिए यहाँ पर 110 सप्लाई जाती है और ये नेगेटिव है, तो आप देख पा रहे हैं। देखिए शॉर्टिंग दिखा रही है इसकी, यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस दिखाना चाहिए था वाइंडिंग की, लेकिन शॉर्टिंग दिखा रही है और यहाँ पर काला सा भी बना हुआ है, तो ई एच टी ख़राब है। तो सेम इसी नंबर का ई एच टी हम दूसरा इसमें नया ई एच टी लगाएंगे, तो लास्ट एनोड को निकाल लेंगे और बेस पर जो वायर लगे हुए हैं दो वायर इनको भी निकाल लेंगे और दूसरा ई एच टी हम 4095 आई ये ई एच टी है, तो ये दूसरा हम इसमें लगा देंगे। तो दोस्तों मेरे पास ये दूसरा ई एच टी है नया, इसके नंबर भी वही हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। 4095 आई नंबर है इसके, सेम नंबर है ये देखिए। तो ये हम नया ई एच टी इसमें लगा देते हैं और इसके बाद फिर से वोल्टेज चेक करेंगे। दोस्तों वीडियो एंड तक देखना आप, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो मैं इसे बोर्ड में लगा देता हूँ। तो सोल्डरिंग कर देंगे, सोल्डरिंग करने के बाद जो इस पर पेस्ट लगा हुआ है रहता है उसको भी हमें साफ़ करना होता है, अच्छी तरह से साफ़ कर देना चाहिए। तो मैंने ये लगा दिया है और अब हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ये देखिए इस ट्रांजिस्टर पे कहीं पर भी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है ई एच टी लगाने के बाद भी। अब जो हमने ट्रांजिस्टर निकाला था आउटपुट ट्रांजिस्टर, इसको भी हम वापस लगा देंगे क्योंकि ये ट्रांजिस्टर सही था और ई एच टी शॉर्ट थी, तो जिसके चलते ट्रांजिस्टर भी शॉर्टिंग दिखा रहा था। अब देखिए फिर से चेक करते हैं, देखिए कुछ रेजिस्टेंस दिखा रहा है, अब देखिए आप सही है, ट्रांजिस्टर भी सही है, ओरिजिनल सेक्शन में कोई फॉल्ट नहीं दिखा रहा। अब हम इसे जो रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया है और ओरिजिनल सेक्शन में जाने के लिए, तो मैं इसे अब सप्लाई दे करके देखता हूँ। दोस्तों इसको सीरीज बोर्ड में चेक करना चाहिए और ये एलईडी भी ग्लो हो गई है पहले की तरह, ब्लिंकिंग नहीं कर रही है। अब वोल्टेज चेक करके देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए आप 73 वोल्टेज आ रहे हैं 110 सप्लाई पर, क्योंकि अभी ये स्टैंड बाई में है। देखिए ओरिजिनल आउटपुट, यहाँ पर मैंने ये रेजिस्टेंस नहीं लगाई, अभी 73 वोल्ट इसमें आ रहे हैं और सप्लाई सही थी और ये ओरिजिनल सेक्शन में फॉल्ट के कारण सप्लाई ड्रॉप हो गई। तो ये जो रेजिस्टेंस हमने हटाई थी उसको भी यहाँ पर वापस लगा देंगे, जिससे सप्लाई ई एच टी के लिए जाएगी। और दोस्तों इस तरह के फॉल्ट में सीरीज बोर्ड से चेक करना चाहिए, सीरीज लैंप से। तो मैं भी सीरीज लैंप से चेक कर रहा हूँ अभी। ये देखिए एलईडी ग्लो हो चुके हैं। अब आउटपुट सेक्शन में लगे ट्रांजिस्टर पर चेक करते हैं वोल्टेज,
देखिए यहाँ पर भी 73 वोल्टेज आ चुके हैं, तो हमारा सर्किट सही हो चुका है। ये टी पर सब जगह पर सही वोल्टेज आ चुके हैं। अभी ये वोल्टेज कम है क्योंकि स्टैंड बाय में है, और अब हम ऑन करके देखते हैं इसे। तो मैंने इसे लगा दिया है मेन सप्लाई में, अब इसे स्टैंड बाय से रिलीज कर दिया। तो अब हम इसके वोल्टेज चेक करके देखते हैं। ये देखिए 133 वोल्ट के करीब हमें यहाँ पर मिल रहे हैं 110 सप्लाई पर, और ये टीवी हमारा ऑन हो चुका है, राष्ट्र भी आ गया। जो भी पिन हमने यहाँ उठाई थी स्पीकर के और डिकासिंग कॉइल के, सब पिन फिर से वापस लगा देंगे जो सॉकेट हमने हटाए थे। और अब हम इसमें ऑडियो वीडियो लगा करके भी देखेंगे। तो मैं इसे सप्लाई दे देता हूँ, और हम अब देखते हैं। देखिए टीवी ऑन हो चुका है, और ये ऑडियो वीडियो पिने देखिए, इसमें पिक्चर आ चुकी है, साउंड एंड पिक्चर क्लियर आ रही हैं। तो सेना प्रमुख को आपने सुना, अब हम आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ संवाददाता जी रविदास पूछने में मौजूद है, वो क्या बता रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक जरूर करना, शेयर भी करना, और आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को दबाना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको पास नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। बिना नोटिफिकेशन, बिना बेल आइकन दबाए नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा। तो ये एसटी फॉल्ट थी, हमने चेंज कर दी। तो दोस्तों मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।